तीन विधानसभा सीटें फतेहपुर अर्की जुब्बल कोटखाई, यहां पर चुनावी परिणाम सामने आएंगे। मंडी जुब्बल कोटखाई पहले इस उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास थे और अर्की फतेहपुर कांग्रेस के पास थे, लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि इन नतीजों के बाद ये सीटें किसके पास जाने वाली हैं, किसका जो सीट क्रमांक है वो बढ़ने वाला है। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार सबसे हॉट सीट जो है वो मंडी की रहने वाली है, और क्योंकि मंडी सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला भी है और ऐसे में साख का सवाल दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि एक तरफ कदवार नेता प्रतिभा सिंह है कांग्रेस की तरफ से और उनके अलावा इन दोनों के अलावा कुल मिलाकर के 6 कैंडिडेट्स जो है इस बार मंडी संसदीय सीट से जो है वो उतरे हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो है उनसे भी होते हैं। जुब्बल कोटखाई की हम चर्चा कर रहे थे और जुब्बल कोटखाई का जो परिणाम है बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और अगर मंडी के बाद सबसे ज्यादा जो जनता चाहती है कि जाने कि कौन प्रत्याशी रहेगा, कौन जो है वो जीतेगा जुब्बल कोटखाई, तो वहां पर तो एक ट्राइंगल बना हुआ है, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले बात कर ले त्रिकोणीय मुकाबला कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और आपने जैसे यहाँ मेरी भी उत्सुकता को बढ़ा दिया है ये कहकर कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं यहाँ के नतीजे या दिलचस्प होने वाला है यहाँ का चुनाव परिणाम, तो हम भी ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे ऐसा आपने क्यों कहा। बिल्कुल, जिस तरह से कह रहा था मैं कि ये कह रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो सबसे पहले हम बात कर ले चेतन ब्राक्टा की। चेतन ब्राक्टा जो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके संयोजक रहे हैं, हालांकि अब पार्टी से वो 6 साल के लिए निष्कासित किए गए, उसका जो है वो इस कारण जो है वो ये रहा कि चेतन ब्राक्टा जब टिकट आवंटन होना था तो उसमें बीजेपी के प्रत्याशी जो है उनके रूप में देखे जा रहे थे, क्योंकि उनके पिता जो है वो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक भी थे और अभी चीफ भी थे, यानी मुख्य सचिव थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के। तो ऐसे में एक कदवार नेता के बेटे जो कि पहले से ही जो है आईटी सेल में थे और अनुराग ठाकुर की टीम में भी थे, उन्हें माना जा रहा था कि वो जो है वो टिकट के दावेदार रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने नीलम शेख जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक सदस्य थी और जिला परिषद की मेंबर भी थी, उन पर विश्वास जताया और चेतन ब्राक्टा की जगह उन्हें टिकट जो है वो दिया गया। इसके बाद ये कहा जा रहा है, और दूसरी जो तीसरा मुकाबला है जो तीसरे प्रत्याशी है वो रोहित ठाकुर है। रोहित ठाकुर पहले भी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं रामलाल ठाकुर उनके पोते हैं। ऐसे में तीनों जो नेता हैं उनमें कांटे की टक्कर शुरू में मानी जा रही थी, लेकिन बाद में जो समीकरण बने वो ये बने कि बीजेपी की जो टिकट है वो उसके बाद वो जो बटेगी, लेकिन उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो चीज है वो सामने आ गई कि जो मंडा था जुब्बल कोटखाई बीजेपी का जो मंडा था चेतन ब्राक्टा के निष्कासन के बाद पूरे के पूरे मंडल ने इस्तीफा दे दिया और हुजूम जो है चेतन ब्राक्टा जो अब निर्दलीय उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में थे उनकी तरफ जो कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता एक बड़े पैमाने पर जो उनके साथ जुड़े नजर आए, और जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है जो कि जिन पर प्रभार है जुब्बल कोटखाई में चुनाव करवाने का सुरेश भारद्वाज वो वहां पर डटे रहे, दिनरात जो उन्होंने पसीने बहाए वहां पर, लेकिन अब क्योंकि ये माना गया उसके बाद कि कांटे की टक्कर जो है वो अब बीजेपी और कांग्रेस की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार है चेतन ब्राक्टा और उनके बीच मानी जा रही है, और इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने मुझे बताया कि बेहद इंटरेस्ट पर रहने वाला है इस बार जो चुनाव परिणाम है, और जो पहले यहाँ पर